शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो उसी डूट को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उस चंदन की एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है कि कार्य की आपका बहुत मुश्किल हो रहा है, अटक रहा है, नहीं हो ही नहीं रहा है, तो आप बेलपत्री लीजिए, उसके पीछे की जो डंडी आप तोड़ के देते हो उसे आप लाल चंदन से उस पर 108 बिंदी लगा दीजिए और पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर छू कर फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर रखकर फिर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जप आप अपनी मनोकामना बोलिए तो महादेव उसको 3 महीने में अवश्य पूरा करेंगे। ये आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करें तो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। उपाय बहुत ही आसान है, आप इसे अवश्य करें, मौका ना चूके। पूज्य गुरु जी कैसे और उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।